मोहब्बत मजहब की दीवार नहीं मानती, इश्क सारे रस्कों को भूलने पर मजबूर कर देता है, वो उम्र की सीमा और ऊंच नीच का भेदभाव भी भूल जाता है। आज की कहानी इसी इश्क मोहब्बत की दास्तां पर आधारित है। आज हम आपको नेताओं के बारे में डिटेल से बताएंगे जिन्होंने मजहब की दीवार तोड़कर अपनी जीवन संगिनी को चुना। इसमें सबसे पहला नाम है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन ने धर्म की दहलीज लांघकर हिंदू लड़की रेनू से शादी की। जिस वक्त देश में बाबरी की कड़वाहट घुल रही थी, उसी वक्त रेनू और शाहनवाज की मोहब्बत परवान चढ़ रही थी और आखिरकार साल 1994 में इन दोनों ने शादी कर ली। इसी फहरिस्त में दूसरा नाम है रामविलास पासवान का। जिस बिहार में जाति धर्म को बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता था, उसी बिहार में रामविलास पासवान ने अपनी पहली बीवी राजकुमारी को तलाक दिया और दलित होकर ब्राह्मण लड़की रीना शर्मा से शादी कर ली। रीना शर्मा एक एयर होस्टेस थी। रामविलास पासवान और रीना की उम्र में भी बहुत डिफरेंस था, लेकिन रामविलास पासवान ने सामाजिक बंदिशों की परवाह नहीं की और रीना का हाथ थाम दिया। चिराग पासवान रीना शर्मा के ही बेटे हैं। हाल ही में जेडीयू से आरजेडी में आए श्याम रजक ने जाति के सारे बंधनों को तोड़कर पेशे से जर्नलिस्ट अलका से लव मैरिज की थी। अलका अगड़ी जाति से हैं और श्याम रजक पिछड़ी जाति से, लेकिन दोनों में से किसी ने जाति की परवाह बिल्कुल नहीं की। हालांकि दोनों को एक होने में कई मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ा। दोनों के घर वाले शादी के खिलाफ थे। 7 सालों की कोशिश के बाद दोनों परिवारों की रजामंदी हुई और श्याम रजक और अलका की शादी हो सकी। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मोदी ने ईसाई धर्म की जेसिस जॉर्ज से शादी कर ली। दोनों एक रेल सफर के दौरान मिले और एक दूजे के हो गए। बिहार में जनाधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने रंजीता रंजन के साथ लव मैरिज की। रंजीता रंजन एक सिख लड़की हैं और पप्पू यादव हिंदू परिवार से थे। इन दोनों की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। बिहार बीजेपी के एक और बड़े नेता राजीव प्रताप रूढ़ी ने हिमाचल की एक लड़की से शादी की। नीलम के साथ उनकी लव मैरिज हुई। हिमाचल की रहने वाली नीलम पेशे से एक एयर होस्टेस थी और रूढ़ी एक पायलट हुआ करते थे। दोनों फ्लाइट में मिले और एक दूजे के हो गए। बिहार के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने नूतन सिन्हा से शादी की।